चिकन करी, ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमें हमारे बचपन की यादों में ले जाता है। ये बस एक डिश नहीं है बल्कि हर इंडियन घर की कहानी है। जब भी हम चिकन करी की बात करते हैं तो हमें याद आता है वो समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, हंसी मजाक करता था और एक दूसरे के साथ अपने दिन की बातें शेयर करता था। हर घर में इसे बनाने का अपना अलग अंदाज होता है, अपनी एक अलग खुशबू। कोई इसे ज्यादा मसालेदार बनाता है तो कोई इसे हल्का और क्रीमी, लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो है इसमें डाली जाने वाली ममता और प्यार। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही रेस्टोरेंट जैसी चिकन करी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाजीज किचन बाय सफिया की स्पाइसी चिकन करी बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा चिकन, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ढेर सारे मसाले। ये रेसिपी आपके परिवार और दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। जब आप इसे बनाएंगे और सबके चेहरे पर मुस्कान देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने कुछ खास बनाया है। तो देर किस बात की, चलिए आज ही बनाते हैं ये लाजवाब चिकन करी और अपने परिवार के साथ इस जादू का आनंद लेते हैं। और हाँ, इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस जादू का अनुभव कर सकें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और खाते हैं ये स्वादिष्ट चिकन करी। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम चिकन को मसाला लगाने के लिए आवश्यक सामग्री की बात करेंगे। चिकन को मसाला लगाने के लिए हमें चाहिए चिकन 500 ग्राम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, एस्ट्रिस्क दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक अपने हिसाब से। अब हम करी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की बात करेंगे। करी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 3 बड़े चम्मच, प्याज 2 मध्यम आकार के बारीक काट लें, टमाटर 2 मध्यम आकार के इसकी प्यूरी बना लें, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च 2-3 बीच से कटी हुई, हरा धनिया सजाने के लिए, नमक अपने हिसाब से। अब हम इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें सही तरीके से मिलाएंगे। सबसे पहले चिकन को मसाला लगाने के लिए हम चिकन के टुकड़ों को एक बड़े बाउल में डालेंगे, फिर इसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाकर चिकन को मसाले में लपेटेंगे। इसे कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन में समा जाएं। अब हम करी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और हरी मिर्च डालें। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलाएं और कुछ मिनट तक पकाएं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन पैन में डालें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर पकाएं जब तक चिकन पूरी तरह से पक ना जाए। अंत में करी को हरे धनिया से सजाएं और अपने हिसाब से नमक डालें। अब आपकी स्वादिष्ट चिकन करी तैयार है। इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें और इसका आनंद लें। इस रेसिपी को आजमाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। धन्यवाद। सबसे पहले चिकन को अच्छे से धोकर एक बाउल में रखें। अब इसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर चिकन को कम से कम 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे चिकन में सारे मसालों का स्वाद अच्छे से समा जाएगा। अब एक कढ़ाई या पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर उसमें कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालें। जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं, तो उसमें मसाले वाला चिकन डालें। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिला लें और धीमी आंच पर पकने दें। चिकन को बीच बीच में चलाते रहें ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। अगर आप चाहें तो करी में आधा कप नारियल का दूध डाल सकते हैं। इससे करी का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। नारियल का दूध डालने के बाद करी को 5 से 7 मिनट तक और पकाएं।
चिकन को तब तक पकने दें जब तक वो नर्म ना हो जाए और ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। इसमें लगभग 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। आखिर में गरम मसाला और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिला लें। आपकी स्वादिष्ट चिकन करी तैयार है। इसे हरे धनिये से सजाकर गर्मागर्म चावल, रोटी या नान के साथ परोसें। ये रेसिपी आपके परिवार और दोस्तों को जरूर पसंद आएगी। कुछ नुस्खे और सुझाव। अगर आप चाहें तो चिकन को दही में मिलाने से पहले हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। इससे चिकन का स्वाद और भी बढ़ जाता है और यह अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरा बनता है। हल्का फ्राई करने से चिकन में एक अलग ही खुशबू आती है जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देती है। इससे चिकन और भी कुरकुरा बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि चिकन का हर टुकड़ा एकदम परफेक्ट हो तो इसे धीमी आंच पर फ्राई करें। इससे चिकन अंदर तक पक जाएगा और बाहर से सुनहरा और कुरकुरा हो जाएगा। करी में और भी सब्जियां जैसे आलू, मटर डाल सकते हैं। आलू और मटर करी को और भी पौष्टिक बनाते हैं और इसका स्वाद भी बढ़ाते हैं। आलू को छोटे टुकड़ों में काट कर डालें ताकि वे जल्दी पक जाएं, और मटर को पहले से उबाल कर डालें ताकि वे नरम और स्वादिष्ट बने। या फूल गोभी भी डाल सकते हैं। फूल गोभी करी में एक अलग ही स्वाद और टेक्सचर जोड़ती है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालें और ध्यान रखें कि यह अच्छी तरह से पक जाए। फूल गोभी को पहले से हल्का सा फ्राई करके डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च करी में एक तीखा और ताजगी भरा स्वाद जोड़ती है। आप इसे बारीक काट कर डाल सकते हैं या फिर साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। करी को और भी रिच बनाने के लिए आप इसमें मलाई या क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई या क्रीम डालने से करी का स्वाद और भी गहरा और मखमली हो जाता है। इसे अंत में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं ताकि करी में एकसार हो जाए। इससे आपकी करी का स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा और यह खाने में और भी मजेदार लगेगी। चिकन करी बनाना अपने आप में एक मजेदार काम है। मसालों की खुशबू जब आपके किचन में फैलती है तो खाने का मजा और भी बाँच जाता है। ये एक ऐसी डिश है जो किसी भी मौके पर बनाई जा सकती है। तो देर किस बात की, आज ही लाजीज किचन बाय सफिया की स्पाइसी चिकन करी बनाएं और अपने परिवार को एक यादगार दावत दें।